हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कड़ी पकौड़ा, जिसके लिए मैंने ली है ये आधा किलो लस्सी। ये लस्सी मैंने रात को मंगाई थी और मैंने रात को ही इसके अंदर एक चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी का डाल के रख दिया था, ताकि हमारी जो कड़ी है वो ज़्यादा स्वादिष्ट और ज़्यादा खट्टी बने। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये एक कड़छी बेसन और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमारा लस्सी और बेसन है वो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम करेंगे इसका तड़का लगाएंगे। उसके लिए मैंने ये लिए है दो प्याज, एक अदरक और ये 8 से 10 कलियां लहसुन की हैं। ये प्याज मैंने बीच में से इसलिए काटा है, इसको हम अलग से साइड में रख देंगे, इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। और इन सब प्याज को, अदरक को और लहसुन को हम दरदरा पीस लेते हैं। देखिए गाइस, हमारा लहसुन अदरक और प्याज को हमने दरदरा बारीक पीस लिया है। हम बिल्कुल बारीक नहीं पीसना, इस तरह से ही रखना दरदरा हल्का जा। अब हम इसको करेंगे खड़े मसाले तैयार। लहसुन अदरक को दरदरा पीसने के बाद ये हमने लिया है एक चम्मच, आधा चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच साबुत धनिया, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच जीरा और 2 हरी मिर्चें। ये अगर आपके पास सूखी लाल मिर्च है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, अगर हरी मिर्च है तो आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। चलिए, हम इसको तड़का लगाना शुरू करेंगे। चूल्हा रख दिया है, अब हम इसके अंदर डालेंगे देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये हरी मिर्ची। हमने हरी मिर्चों को इस तरह से नहीं डालना, हमने इसके इस तरह से बीच में हल्का सा कट लगा के जो बड़ी मिर्च है उसके हम 2 पीस कर लेंगे। देखिए, इसके मैंने 2 पीस कर लिए हैं, वो डाल देते हैं। और जो छोटी थी उसको हम इस तरह से साबुत और बीच में इस तरह से कट लगा के फिर डालना है। पहले हम मिर्च को फ्राई करेंगे। हमारी मिर्चें देखिए वो फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले। सबसे पहले डालेंगे मेथी दाना, साबुत धनिया, अजवाइन और जीरा। इनको हमने भून लेना अच्छी तरह से। जो खड़े मसाले थे वो अच्छी तरह से भून हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये बेसन जो कढ़ी का डाला हुआ था। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर आधा ग्लास पानी का और डालेंगे। हमने इसको बार बार हिलाते रहना है ताकि हमारी जो कड़ी वो नीचे ना लगे, नीचे से ना जले वो।
देखिए हमारी कढ़ी है उसके अंदर उबाल आना शुरू आ चुका है। जब हमारी कढ़ी उबाल आना शुरू हो जाए यानी कि पहला उबाल आ जाए तब हम इसके अंदर डालेंगे ये लहसुन प्याज और अदरक का जो हमने दरदरा पीस लिया था पेस्ट उसका। हमने प्याज लहसुन और अदरक को पीस के जो उसको हमने दरदरा पीस के रखा हुआ था वो इसके अंदर डाल देंगे। देखिए वो अच्छी तरह से घुल चुका है और हमारी कढ़ी है वो बॉयल होने भी शुरू हो चुकी है। देखिए बबल्स आने शुरू हो चुके हैं। अब हम इसको गैस स्लो करके इसको रख देंगे ताकि हमारी जो कढ़ी है आराम से पक जाए क्योंकि कढ़ी को पकने में टाइम लगता है। मैंने इस गैस को स्लो कर दिया है। गैस स्लो करने के बाद भी हमने कढ़ी को अच्छी तरह से हिलाते रहना है ताकि वो नीचे ना लपके। जब तक हमारी कढ़ी बनकर तैयार होती है तब तक हम इसके अंदर डालने के लिए पकौड़ों की तैयारी कर लेंगे। बारीक काट लिया वो इसके अंदर डाल देंगे। उधर मैंने एक आलू लिया है वो भी इसके अंदर डाल देंगे। आलू डालने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे आधा चम्मच नमक, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च, दो से तीन चम्मच बेसन, बेसन डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने मिक्स कर लिया है। इसके अंदर पानी का यूज़ बाद में करेंगे, तब तक हम गैस के ऊपर एक कढ़ाई रख लेंगे। देखिए गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई रख ली है, इसके अंदर हम पकौड़े बनाएंगे। वो इधर हमारी कढ़ी है वो बॉयल हो रही है, इसको मैंने गैस स्लो पे रखा हुआ है। इसको भी हमने बार बार बीच में हिलाते रहना है। चलो हम के पकौड़े बनाने शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल। देखिए हमारा हमने अपना ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम अपने पकौड़े के लिए बेसन को तैयार करेंगे। देखिए हमारे पकौड़े बनाने के लिए बेसन तैयार है, हो चुका है। देखिए हमारा जो तेल है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर पकौड़े बनाएंगे, छोटे छोटे पकौड़े बनाने हैं हमने। देखिए हमारे पकौड़े वो एक तरह से सीख चुके हैं, अब हम इनको पलट देंगे। देखिए इधर हमारे पकौड़े फ्राई हो रहे हैं और इधर जो हमारी कढ़ी बॉयल हो रही है इसको भी आप बार बार बीच में हिलाते रहें। देखिए हमारे पकोड़े हैं वो बन चुके हैं, अब इनको प्लेट में निकाल लेंगे। हमने इनको ज़्यादा नहीं फ्राई करना। और जो बाकी बेसन है उसके भी हम पकोड़े बना लेंगे। देखिए हमारे पकोड़े वो एक तरफ से सीख चुके हैं, अब हम इनको पलट देंगे। देखिए हमारे जो पकौड़े हैं ये भी फ्राई हो चुके हैं, अब इनको भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और हम गैस को बंद कर देते हैं। अब देखिए
कि हमारी कढ़ी को पकते हुए आधा घंटा हो चुका है और अभी बनकर तैयार है, पक चुकी है। अब इसके अंदर डालेंगे पीसी हुई लाल मिर्च। लाल मिर्च डालने के बाद आप इसको थोड़ी देर और पकने दें। जब लाल मिर्च अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए, कोई गांठ ना रहे इसके अंदर, अब हम इसके अंदर डालेंगे ये पकौड़े जो हमने बना के रखे हुए हैं। ये देखिए, पकौड़े डालने के बाद इसको हम 2 मिनट के लिए स्लो गैस पर ही पकाएंगे। देखिए हमारी कढ़ी को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम लास्ट में इसके अंदर डालेंगे ये थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को आप थोड़ा सा क्रश करके डालें। कसूरी मेथी डालने के बाद कढ़ी का स्वाद और दुगना हो जाता है। हमारी जो कढ़ी है वो बनकर तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। देखिए हमारी कढ़ी है वो बनकर तैयार है। अब हम करेंगे इसकी प्लेटिंग। तो गाइस देखिए, मेरी कढ़ी पकौड़ा बनकर तैयार है। देखिए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज अपने कमेंट में मुझे जरूर बताएं। और मेरी पूरी वीडियो को पूरी देखकर अगर आपको पसंद आए तो ही लाइक करें, पर पूरी वीडियो देखें।